हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का लेक्चर वन है। और इसमें हम इंट्रोडक्शन में आज हम वो बेसिक्स रिवाइज कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी जो हमारे फर्स्ट टू लेक्चर्स होंगे, लेकिन हम वो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी इन चीज़ों के बिना समझ में नहीं आएगी। तो थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। उसके अलावा वैक्टर्स भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से थोड़ा सा वेक्टर्स को भी देख लीजिए। जितना मुझे जरूरी है उतना तो मैं रिपीट कर ही रही हूँ बेसिक्स, बट फिर भी उनको थोड़ा सा आप और अच्छे से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज डेंसिटी कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मीडियम में कंटिन्यूअसली, तो हम एक फिजिकल क्वांटिटी से इसको एक्सप्रेस करते हैं जिसको हम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इफ अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली in a medium, it can be expressed, in terms of a physical quantity known as charge density. Charge density three types की होती है. First है linear charge density. Second है सरफेस, पहली है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकेंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी, थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। अगर चार्ज जो है लाइन में डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली या एक एक्सिस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है कंडक्टर में, तो हम उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं और उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल हो जाएगा। और अगर यहाँ से डी क्यू फाइंड करना है तो लैम्डा डी एल और Q इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दिया हमने इसका, तो लैम्डा डीएल लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन है। और यहाँ से हम Q इक्वल टू लैम्डा एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है सरफेस डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, द चार्ज डेंसिटी ऑफ यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू बाय डी एस। और यहाँ से क्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रेशन एस सिग्मा डी एस, या तो आप इंटीग्रेशन लिख के उसके सफिक्स में एस लिख सकते हैं, या Q इक्वल टू दो बार इंटीग्रेशन करके सिग्मा डी एस भी लिख सकते हैं, कोई सी भी नोटेशन यूज करिएगा। और यहाँ से Q इक्वल टू सिग्मा एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसकी यहाँ यूनिट की बात करें तो Q अपॉन डी एस है, तो यानी कि कूलाम पर मीटर स्क्वायर है ना। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का अगर हम यूनिट की बात करें कूलाम पर मीटर, और थर्ड हो गया हमारा वॉल्यूम चार्ज
डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, और रो इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एस डी वी हो जाएगा, और यहाँ से क्यू जो है इंटीग्रेशन रो डी वी, और सफिक्स में इंटीग्रेशन के वी, या तीन बार इंटीग्रेशन लगा के रो डी वी क्यू इक्वल टू। तो आपको जो नोटेशन ठीक लगे आप ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन की फॉर्म में। इसका अगर यूनिट की बात करें तो कूलाम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वेक्टर्स को डिस्कस करूंगी। सेक्शन में पोस्ट करिएगा आपको कैसा लगा।